हमारी हसीन परी फिल्म यानी कि गैल गैडोट की फिल्म आ चुकी है, तो आओ देखते हैं कैसी है फिल्म और इस पर रोशनी डालते हैं। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है हार्ट्स ऑफ नाइन से, एक ऐसी इंटेलिजेंस टीम जैसे कि तुमने मिशन इम्पॉसिबल में देखा होगा, जैसे आम भाषा में बोले रॉ एजेंट्स, वैसे ही आम भाषा में हार्ट्स एक ऐसी टीम है जो इम्पॉसिबल काम को करने के लिए बने होते हैं एंड ये गुप्त रोगुप्त तरीके से MI6 में काम करती है और उनके बंदों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि गैल गैडोट हार्ट्स की मेंबर है एंड इनके पास एक ऐसी खूबसूरत नायाब चीज है जिससे ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एक हार्ट्स का डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू ये क्या क्या कर सकते हैं मैं नहीं बता सकता, तुम खुद देखना, जैसे कि सरकारें गिराना, स्टॉक्स गिराना, प्लेन गिराना, मतलब जो बोलोगे वो चीज, ये चीजें वो कर सकते हैं, वो सब चीजों के बल है और उसको प्लानिंग की जा रही है चोरी करने की। हार्ट्स की मैं एक एक्स मेंबर है जो उसे चोरी करने के पीछे पड़ी हुई है। बाकी इतना काफी होगा इस प्यारी कहानी के लिए और ये मिशन इम्पॉसिबल से काफी सिमिलर है। पॉजिटिव नंबर वन एक्शन, अगर एक्शन की बात करो तो फिल्म, लिटरली बोल रहा हूं फिल्म टोटली फाड़ू है, मैं आपको नहीं बताऊं ये फिल्म तुम्हारे लिए ही है भाई, तुम मत देखो, तुम देखो तुम्हारे लिए ये फिल्म बनी हुई है। अगर तुम बात करोगे इस फिल्म की, बहुत ही ज्यादा नॉच लेवल का एक्शन है, बाप लेवल एक्शन, मतलब मिशन इम्पॉसिबल तो तुमको फील करा देगा ये। पॉजिटिव नंबर टू ह्यूमर और हार्ट का इंटेलिजेंस, मतलब फिल्म की बात करें ह्यूमर की तो ह्यूमर इस फिल्म में कूट कूट के भर के देखते मिलेगा, क्योंकि भाई अब सीक्रेट टीम है अगर तो भाई क्या क्या चीजें ड्रॉबैक, क्या कमियां खामियां, कैसे क्या होता, सब कुछ इस फिल्म में तुम्हें देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छा एलिमेंट इस फिल्म का लगा मुझे हार्ट वाला, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे हार्ट वाला एलिमेंट। पॉजिटिव नंबर वन एक्टिंग, तो एक्टिंग की बात करें गैल गैडोट तो अपनी एक्टिंग में महा कायम है, और बात करें आलिया भट्ट की तो आलिया भट्ट ने भी पूरी वाट लगा दी है और बहुत ही अच्छे लेवल पर एक्टिंग की है इन लोगों ने, इन दोनों ने पूरी फिल्म को बांधा हुआ है। एंड एक तीसरा वेल्ला बंदा है जो विलन, वो मुझको लगा कि भाई इस इज नॉट वर्थ इट टू इन द फिल्म। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर, तो नेगेटिव नंबर वन नो कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिल्म की सबसे बड़ी खराबी यही है कि कोई कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं है, अचानक हार्ट्स आ जाएगा, अचानक कोई कॉन्सेप्ट, अचानक कोई एजेंट आ जाएगा, मतलब तुम्हें कोई कैरेक्टर के बारे में ज्ञान है ही नहीं और तुम ज्ञान देते जा रहे हो, मतलब इसमें जो नो कैरेक्टर के बारे में उस पर फोकस ना करके किसी और पे फोकस किया। और दूसरी बात ये करें कि ये फिल्म जो है मिशन इम्पॉसिबल से बहुत ही ज्यादा, जो तुमने इस समय महीनों पहले फिल्म आई थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉग्निक, उससे कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, लिटरली बोल रहा हूँ उससे पूरी फिल्म पूरी की पूरी सिमिलर है। और ओवरऑल जो मैंने क्लिक बेट किया है वो जो तुम किस फिल्म का, तो फिल्म 999 मूवी का क्लिक बेट है, तो वो तुम देख लेना। और रही बात माय पिन फिल्म देखने लगे कि नहीं, तो अगर तुम स्पाई लवर हो तो तुम देख लो, लेकिन जो कुछ है कुछ ऐसी अनसुलझी पहेलियां जो इस फिल्म से कवर नहीं